संध्या बेला में वही बता रहे थे। अब कोयल तो बार बार बोलेगी हमारी चाय देखिए रखे रखे गिलास में ठंडी हो गई है, मणि पुष्प का बिल्कुल अंधेरा हो गया, देखिए चिराग बत्ती सब घर की बत्तियाँ अगल बगल की जल गई हैं, इनको मैं करीब से बना रहा हूँ, लाइट नहीं पड़ रही, कल दिन में भी इसी पोज बनाएंगे। ये हमेशा मई के महीने में निकलता है, इस फूल का नाम है मणि पुष्प। मैं चाहूँगा कि एक फूल जो है हम इनको देंगे, अग्रवाल जो प्रिंटिंग वाले हैं इनका बिपिन जी, तो एक फूल उनको भी देंगे इसमें से, और तीन फूल है, एक छोटा सा भी निकल रहा है, पूरा खिला नहीं है, दो फूल तैयार हैं। ये साल में एक बार निकलता है और एक हफ्ते इसकी आयु होती है, तीन चार दिन हो गए हैं इसके, मई में निकलता था, अब की बार मौसम के कारण जून में निकला है, आधे जून में, एक हफ्ते के बाद ये समाप्त तो हो जाएगा, फिर अगले जून में, अगले मई या जून में निकलेगा, है ना। ये भी एक प्रकृति की एक अनूठी देन है कि इनकी एक टाइमिंग है, प्रचंड गर्मी में ये अपनी सुंदरता बिखेरते हैं, और इस प्रचंड गर्मी में बिल्कुल इनकी शक्ल भी सूरज की जैसी लगता है, जैसे यानी सूर्य में जैसे नहीं तमाम लहरें और किरणें और आँख की लपट ऐसी दिखाई पड़ती है, तो इसे अग्नि का गोला भी कहिए, मणि पुष्प कहिए, और अंग्रेजी नाम में नाम जो भी हो। तो बिल्कुल अब शाम का समय अंधेरा है, अंधेरे में मैं पोज बना रहा हूँ, बाकी कल मैं सुबह इसका बनाऊँगा जब इसके ऊपर हल्की सी लाइट पड़ेगी। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, आज की तारीख है 9, अब तारीख कैलेंडर नहीं देखा है, लेकिन आज संडे है, रविवार है, और जहाँ तक आज 9 तारीख होना चाहिए, आज बहरहाल संडे है और 9 होना चाहिए, और बाकी कल फिर इसी को बनाएंगे, तो कल की डेट कैलेंडर देख के हम बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।